नीचे है गोविंद गोधाम। यहाँ पे जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, इसको देख के तो आपको ऐसे लगेगा जैसे साक्षात हमें मथुरा वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे खूब रौनक मेला लगा हुआ है। दूर दूर से लोग सावन की हरियाली तीज को मनाने आए हुए हैं। जगह जगह पीक लगी हुई है, बच्चे बड़े जब हर कोई यहाँ पे आके खूब एंजॉय कर रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं हरियाली तीज, सावन की इस हरियाली तीज की कुछ बहुत ही खूबसूरत सी झलकियाँ। देख सकते हैं हम पहुंचे हैं गोविंद गोधाम में, जहाँ पे सावन की हरियाली तीज बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ पे पींगे लगाई गई हैं और यहाँ की जो लेडीज हैं, बच्चे हैं, पींगों को बड़ी खुशी से ले रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन कुछ लेडीज से जो यहाँ पे हरियाली तीज मनाने के लिए आई हैं। हेलो मैम, हैप्पी तीज। हैप्पी तीज, कैसे आप? बहुत बढ़िया। कैसे लगा यहाँ पे आपको? अभी हमने आपको देखा, पींग बड़ी मस्ती से ले रहे थे। बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? बहुत टाइम से आ रही हूँ, 5-6 साल तो मुझे यहाँ पे हो गए आते हुए। मैं हर साल आती हूँ। वहाँ पे हो गई ना, बॉम्बे में, बॉम्बे से आई है जी। आप बॉम्बे से स्पेशल यहाँ? यस यस। तो वहाँ पे भी ऐसी तीज मनाई जाती है? नहीं, वहाँ पे नहीं मैंने देखा। जाओ जहाँ पे मिलता है ना देखने के लिए, वो वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे स्पेशल आती हूँ मैं। चलिए आप अपने बॉम्बे के स्टाइल में यहाँ पे सबको हैप्पी तीज विश करिए। हैप्पी तीज बॉम्बई। हैप्पी तीज मुंबई, वेरी गुड। आप क्या कहना चाहेंगे मैम तीज के बारे में? बहुत अच्छा है तीज का त्यौहार। हम तो सालों साल से देखते आ रहे हैं कि आए, जल्दी जल्दी त्यौहार आए, हम देखें ये गोविंद धाम में आके। अच्छा लग रहा है, अच्छा बहुत अच्छा है। आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? हम तो काफी साल से आ रहे हैं जी। हाँ, कैसे लगता है यहाँ पे सब? अच्छा कुछ लगता है। जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं कि जाएं, हम मिले हम ठाकुर जी से। अच्छा। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। आप बताइए मैम, तीज के बारे में कितना जानते हैं? क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज? मैडम ये तो खुशियों का त्यौहार ही है, सावन के महीने में मनाई जाती है। कैसे लग रहा है यहाँ पे? इतना सुंदर सब कुछ सजाया हुआ है। मन बहुत खुश हुआ, घर से निकलने का मौका मिलता है, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं हम। वैसे शहरों में तो इंजॉय हो नहीं पाता है ऐसे टाइम पे, गांव में पहले लगती थी तीज, आजकल तो कोई बस नाम की रह गई है। यहाँ आके आप अपनी कहते हैं यादें ताज़ा हो जाती। बहुत अच्छा लगता है मैम। हाँ जी, हैप्पी तीज सबको। थैंक यू। हेलो, ये तो छोटे से कन्हैया भी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं ये कितने स्वीट, इतने। हेलो, राधे राधे। राधे राधे, राधे। अच्छा आप देख सकते हैं छोटे से कन्हैया जी हमारे साथ हैं। तो चलिए आप उनके मम्मा हैं? चाची। तो चलिए मैम आप बताइए कैसे लग रहे हैं छोटे से कन्हैया जी आपके गोद में? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है रियल कन्हैया आपके साथ है। जी हाँ लग रहा है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसे लग रहा है यहाँ पे आज इतना रौनक मेला लगा हुआ है, लोग इतनी मतलब श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं? ये पिछले एक महीने से गोविंद गोधाम में हरियाली तीज की तैयारी चल रही है, एक महीने से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ उल्लास का वातावरण है, हर्ष का वातावरण है, भक्ति का वातावरण है। यहाँ पर लोग आते हैं गौ माता की सेवा करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि गोविंद गोधाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूध वाली गाय नहीं रखी जाती, केवल सड़कों वाली गाय रखी जाती हैं। यहाँ पर गौ माता की सेवा करते हैं, गोविंद जी के दर्शन करते हैं और अपनी झोलियाँ भर के जाते हैं। लोग हमें बताते हैं कि हम जब भी गोविंद गोधाम में आते हैं, गोविंद जी के आगे, गौ माता के आगे जो भी प्रार्थना करते हैं वो हमारी सुनी जाती है, पूरी करती है। एक लुधियाना में ऐसा स्थान है कि जहाँ पर भक्ति भी है, सेवा भी है और चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। और ये शाम 3 बजे से लगा है और रात को 11 बजे तक लगा रहेगा। मैं लोगों का धन्यवाद भी करता हूं और उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि गोविंद गोधाम आए, परिवार के साथ आए, दोस्त मित्रों के साथ आए। जय श्री राधे। कितने सालों से यहां पे हरियाली तीज ऐसे ही धूमधाम से मनाई जा रही है? 2005 में गोविंद गोधाम बना था, 2005 से लेकर 2019 साल हो गया है, 15 साल हो गए हैं हरियाली तीज मनाई जाती है। सर राधे राधे बोल दीजिए जाते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे। थैंक यू सर। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ गोविंद गोधाम के जो ऑनर है, संस्थापक
संस्थापक है सुंदर लाल धमीजा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कितने सालों से यहाँ पर हरियाली तीज खूब ही धूमधाम से मनाई जाती है। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा भसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी। Thank you.